निजी क्षेत्रों से आने वाले निवेश में पिछले 7 साल में लगातार गिरावट आई है। इसके साथ सरकारी निवेश में भी भारी कमी आई है। निजी और सरकारी क्षेत्र के निवेश में गिरावट के साथ खराब कर्ज का बढ़ना अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहा है। निजी क्षेत्रों से किए जाने वाले निवेश में पिछले 7 साल में लगातार गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2017 के मुकाबले वित्त वर्ष 2018 में यानी सिर्फ 1 साल में ही निजी क्षेत्रों का निवेश 10.15% कम हो गया। RBI के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2011 में निजी कंपनियों का कुल निवेश 3,70,600 करोड़ रुपए था, जो लगातार गिरते हुए वित्त वर्ष 2017 में 1,65,500 करोड़ रुपए हुआ और वित्त वर्ष 2018 में और गिरकर सिर्फ 1,48,700 करोड़ रुपए रह गया। वित्त वर्ष 2019 में इसके और कम होने का अनुमान है। भारतीय निजी कंपनियां लंबे समय से दबाव में चल रही हैं। देश में पिछले 1 साल में विलफुल डिफॉल्टर्स यानी जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है और ये तब हो रहा है जब सरकार ने बैड लोन्स और NPA पर काबू पाने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी IBBI के अनुसार जनवरी 2017 से दिसंबर 2018 के बीच कुल 1484 केसों को बैंकरप्सी कोर्ट में ले जाया गया। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की सूची में विलफुल डिफॉल्टर्स की संख्या सबसे ज्यादा IDBI बैंक में बढ़ी है। IDBI बैंक में विलफुल डिफॉल्टर्स की संख्या दिसंबर 2017 में 3,660 करोड़ थी, जो दिसंबर 2018 में दुगने से भी ज्यादा होकर 7,381 करोड़ पहुंच गई। IDBI बैंक के अलावा बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी उसके आसपास ही हैं। 1 साल में बैंक ऑफ इंडिया में विलफुल डिफॉल्टर्स की संख्या 60% बढ़ी है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में विलफुल डिफॉल्टर्स की संख्या 41% बढ़ी है। इसके अलावा सितंबर 2018 तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास विलफुल डिफॉल्टर्स की सबसे बड़ी लिस्ट है, जिनके पास बैंक का कुल 37,250 करोड़ रुपए है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि भारतीय निजी कंपनियों की माली हालत ठीक नहीं है। निजी क्षेत्र के अलावा सरकारी क्षेत्र से किया गया निवेश भी काफी निराशाजनक है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी GFCE की विकास दर भी पिछले कुछ साल में घटी है। वित्त वर्ष 2018 में GFCE की विकास दर 15% थी, जिसके वित्त वर्ष 2019 में 8.9% रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में अर्थव्यवस्था दोहरी मार से जूझ रही है, जहां निजी और सरकारी दोनों ही तरह के निवेश में लगातार गिरावट आ रही है। इस पर से खराब कर्ज में आई बढ़त इंफ्रास्ट्रक्चर आदि के विकास में रुकावट बना हुआ है। सम्राट शर्मा, गो न्यूज़।